या गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून बच्चों, आप कैसे हैं आप लोग? यस, गुड मॉर्निंग बच्चों। या टुडे आज हम लोग, मैंने टॉपिक लिख दिया है ये, या गुड आफ्टरनून एवरीवन। यस, टुडे मैं आपको आज क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ 12th क्लास बुक और ये चैप्टर 1 है। मैं आपको लास्ट टाइम जब मैंने क्लास ली थी आपकी, आई टॉट यू द विच सब वर्ल्ड वाले जो मैंने आपको टॉपिक बताया था। हाँ जी, सो ये द कोल्ड वॉर एरा। यस, हमने कुछ छोटा बस टॉपिक, हमने चैप्टर्स डिस्कस किए थे, राइट। आज मैं आपको आपकी बुक में जो फर्स्ट चैप्टर है द कोल्ड वॉर एरा, उसके बारे में बताऊंगी, ठीक है बेटा? यस, लेट्स कम। यस, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। यस बेटा, ये देखिए क्यूबा मिसाइल क्राइसिस पर आज हम बात करेंगे, फाइन। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस है क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल? और एक और सबसे इम्पॉर्टेंट मैं ये बताना चाहूँगी कि हम जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं जो 12th क्लास में, वो हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, क्यों हमें पॉलिटिकल साइंस में हम वर्ल्ड से रिलेटेड बात कर रहे हैं, और क्यों हम बाहर के यूएसए, यूएसएसआर, जर्मनी, इन सब पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज़ के बारे में हम क्यों जानना चाहते हैं, वो इस, और हमारी इंडिया का क्या रोल है। सी, सबसे इम्पॉर्टेंट बेटा, जब हम ये पूरा साल हम इस बुक को हम देखेंगे, जब हम ये चैप्टर्स पढ़ेंगे, तो हम ये देखेंगे कि वर्ल्ड में हमारे इंडिया का कितना इम्पॉर्टेंट रोल रहा, राइट। सो जो भी वर्ड एवर हम चैप्टर पढ़ेंगे, जो 9 चैप्टर हैं इसमें, वर्ल्ड में हम वर्ल्ड के एक एक चैप्टर में, हर चैप्टर के साथ हमारी इंडिया का रोल भी पढ़ेंगे, राइट। सी, अब जैसे कोल्ड वॉर है, तो कोल्ड वॉर, अब हम कहेंगे कि कोल्ड वॉर में तो हमारी इंडिया का कहीं कहीं दूर तक नहीं था। नो, था बेटा, क्योंकि कोल्ड वॉर में क्योंकि हमारा तो इंडिया बहुत पीसफुल और सॉविडिटी एंड बहुत काम है कंट्री, तो हमने नहीं, रिलेशनशिप जो दूसरी कंट्रीज़ के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उनके साथ, हमने कैसे मीडिएटर, बहुत अच्छा मीडिएटर बन के हमने उनको रोल इम्पोर्टेंट दिया है, राइट। सी, अब ठीक है, सो अब हम जो देखेंगे वो क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। आप यहाँ देख रहे होंगे बहुत ही अच्छा छोटा सा मैप दिखाई दे रहा है, और ये जो मैप है ये वर्ल्ड का आधा सा मैप दिखाया गया है, ये बेसिकली अमेरिका का दिखाया गया है ना। यस, अमेरिका का दिखाया गया है, और मैं आपको पूरा मैप भी दिखा देती हूँ, वन मिनट। सी, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक्चुअली एक स्टूडेंट की बुक है ये, अभी अमरजेंस ये, देखिए बेटा, लॉकडाउन में इस बुक को मंगवाया गया ताकि आपको मैं पिक्चराइजेशन करा सकूं। हालांकि ऑनलाइन भी ये बुक्स हैं बेटा, डाउनलोड आप कर सकते हैं, फ़िलहाल आप मार्केट से नहीं खरीद सकते हैं, तो आप ऑनलाइन मतलब जो है बुक डाउनलोड कर लीजिए और पढ़िए, पढ़िए ज़रूर, क्योंकि बिना पढ़े आप, अभी मैं जो चीज़ें बताऊँगी बहुत इंटरेस्टेड होगा और बहुत स्टोरी टाइप बताऊँगी, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो और चीज़ों के बारे में मालूम हो। और ये भी बताऊंगी कि अगर आज जो लॉकडाउन का प्रॉब्लम आ रहा है पूरी कंट्री में, जो सब ये कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन किया गया, अगर ये लॉकडाउन पर फोकस ना करते हुए, मतलब अभी जो सिचुएशन बनी हुई है, क्योंकि ये पहले क्या करते थे, वेपन्स पे फोकस करते थे, राइट, कि वेपन्स बना लें, हथियार बनाएं, दूसरे कंट्री के साथ कैसे युद्ध किया जाए, तो इस पे ज़्यादा फोकस था। अगर कुछ इनको ये नहीं मालूम था कि ऐसी जो महामारी बीमारी है जो इफेक्टिव करेगी ह्यूमन बीइंग को, तो हाँ बिल्कुल अनुज, मैं बिल्कुल प्रोवाइड कराऊंगी नोट्स, मैं आपको लिंक दे दूंगी, राइट, आप उसमें से ले, हाँ बिल्कुल आपको ले लेना, पर उससे पहले जो मैं आपको कह रही हूँ वो आप इन वो कीजिए, फोकस कीजिए, मैं नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगी और बहुत अच्छे नोट्स होंगे, डेफिनेटली आप पढ़ेंगे तो आप अच्छे मार्क्स लेकर आ पाएंगे, राइट। सी, मैं बात कर रही थी क्यूबा मिसाइल क्राइसिस की, राइट। देखिए अब मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाती हूँ। सी, यहाँ आप देखिए,
ये रहा राइट। मुझे भी अपने, क्योंकि आपके इतने सारे कमेंट्स आते हैं तो मुझे भी आपको चैटिंग में दिखाई नहीं दे रहा, मैं सही शायद पेन लगाया हुआ है, राइट। ये रहा, दिस इज़ क्यूवा, राइट, क्यूवन, राइट, क्यूवा, क्यूवन, जो देखिए ये पूरा यूएसए का मैप है, राइट। अब मैं यह पूरा मैप से आपको समझाना चाहूँगी। दिस इज़ यू एस ए, राइट, ये यहाँ पर रशिया, इसको हम 1991 से पहले जो रश यू एस एस आर हम बात करेंगे, राइट, हाँ जी। बीच बीच में जो मैं रुक जाती हूँ तो इसका मतलब है कि जो आप लिख रहे हैं उसको पढ़ना शुरू कर देती हूँ, अब मैं नहीं पढ़ूंगी। और लास्ट में बेटा जो पूछना है पूछना, राइट, है ना। चलो अब ये हम क्यूबा मिसाइल की क्राइसिस की मैं बात कर रही थी, एक बार मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। देखिए पहले एक छोटी सी चीज़ में बताऊँ, जब तक मैं लिख के और ब्लैक बोर्ड पे ना लिख लूँ मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं होती, बिकॉज टुडे आई हैव नो चॉक, तो इसलिए मुझे थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है बच्चों। कोल्ड वॉर, राइट, कोल्ड वॉर, हाँ। अब ये कोल्ड वॉर के बारे में हम पढ़ रहे हैं, बट मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अच्छा कोई बच्चा बता सकता है जल्दी से, आप कमेंट में लिख रहे हैं हाय हेलो गुड आफ्टरनून मैम, इससे पहले आप मेरे ईयर लिखने से पहले आप बताएं मुझे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ, फटाफट जल्दी बताएं, बहुत अच्छे बच्चे। थर्ड वर्ल्ड वॉर भी हुआ है क्या, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, कम ऑन, वेरी गुड, बताओ बताओ बताओ, थर्ड वर्ल्ड, राइट, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बताइए, हाँ जी हाँ जी, यश आप बताओ बेटा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ, फर्स्ट वॉर कमेंट में बताओ बच्चों जल्दी। चलिए मैम बता देती हैं, 1914 टू 1918 तक, राइट, ओके फाइन। एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 टू 1945, फाइन। और थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ है क्या, नहीं मैम अब हो रहा है, क्रोनोवेयर, राइट, वेरी गुड चिखा, वेरी गुड वेरी गुड। थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ, हाँ जी यादव, नहीं हुआ ना बेटा, नो, वेरी गुड। कोल्ड अब तो हो रहा है, को वॉर्स का मतलब क्या होता है कि एक कंट्री को ख़त्म कर दिया जाए, हाँ, और एक कंट्री पावरफुल हो जाए। रितिका वेरी गुड, बहुत अच्छा है ना, यही तो है। तो थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ बच्चों, और उसमें ये कोल्ड वॉर सिचुएशन बन गई थी। तो ये कोल्ड वॉर जो है वो यूएसए और यूएसएसआर के बीच में हुआ, और ये आइडियोलॉजी बेस्ड था, राइट, विचारधारा जिसको कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट जो था आइडियोलॉजी, राइट, है ना। तो ये जो कोल्ड वॉर है वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी, अभी जो ये कोल्ड वॉर की जो सिचुएशन बनी थी वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में कैसे बनी, ठीक है, राइट। चलिए अब यहाँ तक मैंने आप बता चुकी हूँ, और जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसमें एक और, देखो जब तक मैं पूरा हिस्ट्री ना बता दूँ मुझे इच्छा, देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो उस दौरान पूरे वर्ल्ड में एक दूसरों को, मतलब जो डेवलप्ड कंट्री थी वो क्या कर रही थी, अपने आप को सुपर पावर दिखाने की कोशिश कर रही थी, राइट। सो सुपर पावर अपने आप को दिखा, और दूसरा सुपर पावर ये हो रही, राइट। तो आप जो सुपर पावर हो रहे, जो कंट्रियां हैं, एक दूसरों को नुकसान बहुत पहुंचाता, बहुत ज़बरदस्त पहुंचाता। और एक खुशखबरी मैं आपको दे दूं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमारे इंडिया वॉर में शामिल था, मालूम है आपको, हाँ, मतलब देखिए हम कितने सुपर पावर थे कि इंडिया भी साथ था। हुआ क्या था मेरे प्यारे बच्चों, ब्रिटिश का, देखो उस समय टाइमिंग पीरियड भी देखो, 1914 था, उस समय ब्रिटिश थे यहाँ पर इंडिया में, तो कॉलोनाइज थे हम उस दौरान। तो ब्रिटिशों ने कहा कि देखिए, इंडिया के लोगों से कहा, इंडिया के बड़े बड़े लीडर से कहा था कि देखिए हमारे, आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शामिल हो जाइए, हम आपको बड़ा शामिल हो जाइए, हम आपको बड़ा इंडिपेंडेंट वगैरह कर देंगे। तो हमारे लीडर्स ने कहा ठीक है, पर हमें इंडिपेंडेंट होना है, स्वराज हमें चाहिए। तो उन्होंने कहा बिल्कुल कर देंगे, आप हमारे साथ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आइए तो सही। हमने शुरुआत, और फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बिल्कुल साफ क्लियर मना कर दिया था कि नहीं हमें मतलब इसमें वॉर में शामिल नहीं होना है, ठीक है शिखा।
हाँ, और सी ये तो चलो हिस्ट्री की बात हुई, हम आते हैं यहाँ पर इस सिचुएशन, इस वाली बात पर कि कैसे थर्ड वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन जो बनी, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड। और एक और बेटा यहाँ पर यूएनओ जो एक यूएनओ जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो पीसफुल, अगर ये 24 अक्टूबर 1945 में जो बना था वो यूएनओ जो बनाया गया था वो इसलिए बनाया गया था ये पीसफुल, ताकि जो वर्ल्ड में ये वॉर हो रहे थे ताकि शांति बनी रहे और ये किया जाए, राइट। तो डेफिनेटली तो फिर इस तरह से हमने मतलब ये, और फिर कोल्ड वॉर। चलिए अब इसमें बताने, अब आते हैं यहाँ, मैं आपको बता रही थी कि यूएसए और यूएसएसआर के बीच में एक क्यूबा, यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्टिनेंट है। अब आप देखिए यूएसए में ये कॉन्टिनेंट है आपका क्यूबा, फाइन। अब जिस समय 1962 की बात बता रहे हैं उस दौरान, और 1962 में यहाँ पर प्रेसिडेंट थे जॉन ऑफ कैनेडी, राइट, और यहाँ क्यूबा में थे फिदेल कास्त्रो, राइट, कुछ ऐसे ही नाम होते हैं प्यारे प्यारे बच्चे, प्यारे प्यारे नाम होते हैं, इनको याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें ये एग्ज़ाम में हमें ये बहुत अच्छे मार्क्स दिला देते हैं, इसलिए हम इनका नाम को याद रखेंगे ज़रूर, राइट। सी अब मैंने आपको बताया कि यूएसए में ब्रिटेन, क्या नाम बताया मैंने, बोलिए, जॉन ऑफ कैनेडी, राइट, एंड क्यूबा में थे फिदेल कास्त्रो, और यूएसएसआर में थे निकिता क्रुश्चेव, राइट। अब क्या हुआ कि इस अमेरिका, ये यूएसएसआर ने क्या किया हुआ था, यहाँ पर मिसाइल्स अपनी तैनात की हुई थी। इसके पीछे थोड़ा सा इतिहास, एक स्टोरी है, ज़रा हम बड़े आराम से इसको जानने की कोशिश करते हैं। सी अमेरिका तो आपको पता ही है कैपिटलिज्म है, राइट, पूंजीवादी जिसको कहते हैं कैपिटलिज्म, और यूएसएसआर जो है वो है कम्युनिज्म या सोशलिस्ट, ठीक है, यानी साम्यवाद, राइट। अब यहाँ पर क्यूबा में फिदेल नहीं चाहते थे कि अमेरिका के साथ वो मिले, क्योंकि कैपिटलिज्म और ये क्यों, वैसे हालांकि एक आपको मैं बताना चाहूँगी कि जैसे क्या नाम है, अगर मैं आपको कहूँ कि 1962 में, इससे पहले आपको कुछ बताना चाहूँगी कि यहाँ पर क्या हुआ था, स्पेन क्यूबा को क्लोनाइज किया हुआ था, राइट, स्पेन ने, हाँ, तो कलोनाइज तो थे ही, हम भी कलोनाइज थे 1947 में, हम लोग आज़ाद हुए हैं आप पता है ब्रिटिशों से, और 1962 में ये स्पेन के लोग यहाँ से, यहाँ कलोनाइज हुए यहाँ से। अरे कृष्णा, मैं पहले चैप्टर तो बता दूँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी बता देंगे मेरे प्यारे बच्चे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कल दोगे क्या, यू सीबीएसई का एग्ज़ाम, वेरी गुड, चलिए कल नहीं है एग्जाम पॉलिटिकल साइंस का, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी ज़रूरी नहीं है, क्लियर नज़र नहीं आ रहा है ममता, एक्चुअली क्लियर इसलिए नज़र नहीं आएगा, देखिए आप नेट पे डालेंगे वर्ल्ड का मैप बहुत अच्छे से दिखाई देगा, अभी तो बुक है और ये बुक बहुत अच्छे से बच्चे ने पढ़ी हुई है, तो बीच में से ये कुछ खराब भी हो गई ममता, तो अभी जैसे अभी तो मैं ऑब्जर्व कीजिए कि मैप में ये मैप है, हालांकि मैं कल मैप भी मंगवाया था वर्ल्ड का, नहीं मिला, मार्केट बंद थी। अब जो भी मटेरियल, अब ये अपने आपको थैंक्स बोलिए कि इतना अच्छे मटेरियल आपको मिल रहा है, उसमें ही पॉजिटिव देखिए, राइट, यस। अब आते हैं वापस क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, 16 अक्टूबर 1962, और यहाँ पर थर्ड वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन बन गई थी, और 28 अक्टूबर 1962 में ऐसा सिचुएशन कोल्ड वॉर की बन गई थी, डेंजरस, राइट। अब लग रहा था पूरी दुनिया में कि थर्ड वर्ल्ड वॉर यूएसए और यूएसएसआर के बीच में होने वाला है। हाँ मार्क दिखाई रहे, अब क्या करें करवाएंगे जी, पर प्रोवाइड कराएंगे, अब मेरे को प्लीज कॉन्सेंट्रेट, मैं आप लोगों के चैट नहीं देखूंगी, लास्ट में देखूंगी कि कौन बच्चा क्या पूछना चाह रहा है, राइट, क्योंकि अभी बीच बीच में ना फ्लो खराब हो रहा है बेटा। सो यहाँ पर ये सिचुएशन बन गई थी 16 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक,
थर्ड वर्ल्ड वॉर का सिचुएशन बन गया था। अच्छा ये एक अगर बच्चे, चलो मैं इस समय जब मैं बोलूँगी तब मैं आपके कमेंट्स देखूँगी, 1962 में इंडिया क्या कर रहा था? अच्छा पेंसिल से मार्क कर दे, ये रहा बेटा क्यूबा, ये रहा, ठीक है ठीक है। कृष्णा ये दिख रहा है बेटा, ये रहा ठीक है। थर्ड वर्ल्ड वॉर के बारे में चेतना मैं ये बता रही थी कि फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर तो जो आपने देखा और सुना जब आपने अपने हिस्ट्री भी पढ़ी होगी, तो मतलब बेसिकली आप पॉलिटिकल साइंस में आपका जो स्टार्ट होता है चैप्टर वो थर्ड यानी कोल्ड वॉर से शुरू होता है। हाँ तो देखिए अब मैं बता रही हूँ कि यूएसए और यूएसएसआर के बीच में कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई इस मिसाइल्स को लेकर, राइट। तो क्योंकि ये चाह रहे थे कि कैसे हम एक दूसरों से सुपर पावर बन जाएं, हैं और एक राइट। तो ऐसी सिचुएशन कब बनी थी, वो 16 अक्टूबर, मैं ये बताना चाह रही थी, 28 अक्टूबर 1962 में, ठीक है बेटा। थर्ड वर्ल्ड वॉर का सिचुएशन बन गया था, डेंजरस सिचुएशन। और मैं बोल रही थी कि इंडिया उस समय क्या कर रहा था, इंडिया उस समय नॉन अलाइनमेंट पॉलिसीज पे फोकस, वेरी गुड। हाँ तो नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी पर, क्योंकि हम न्यूट्रल रहना चाहते थे ना, हम यूएसए के साथ मिलना चाह रहे थे यानी कैपिटलिज्म के साथ, और ना ही यूएसएसआर के साथ, ना ही हम कम्युनिज्म के साथ मिलना चाह रहे थे, है ना बेटा। और हम न्यूट्रल रहना चाहते थे, हमने सोचा था कि नहीं अब हम ना तो हम यूएसए के साथ रहेंगे ना यूएसएसआर के साथ रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम पहले से ऑलरेडी इतने कॉलोनाइज, हमें ब्रिटिशों ने इतना क्लोनाइज किया, इतना ट्रेड करके गए, वेरी गुड, इतना ट्रेड ये करके गए, हमें बहुत नुकसान हुआ। चैप्टर का नाम कोल्ड वॉर मैंने लिख चुकी हूँ, मेंशन कर चुकी हूँ, उसमें देख लेना नीलम। और यहाँ पर अगर मैं आपको चार इसमें बताना चाहूँगी, इसमें मैं पूरा बैकग्राउंड आपको बताऊँगी, टेंशन बताऊँगी बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर एंड डेवलप एंड थर्ड पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ द मिसाइल्स एंड एंड ऑफ द क्राइसिस, इसका एंड कैसे हुआ क्राइसिस का, फाइन। अब यूएसए में मैं आपको दिखाई रही हूँ छोटा सा क्यूबन है, क्यूबा मिसाइल, क्यूबा है जिसमें ये कॉन्टिनेंट है यूएसए का, देखो पेन मेरा ये रहा क्यूबन, राइट, छोटा सा, राइट, यस कोल्ड वॉर एरा, राइट। सो यहाँ पर यूएसए क्या कर रहा था, अपने पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कर रहा था, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, और यहाँ डेमोक्रेसी भी था, सक्सेसफुल पावरफुल डेमोक्रेसी, राइट। लेकिन रशिया जो यूएसएसआर, आई एम नॉट सॉरी, रशिया भी नहीं बोलेंगे, 1991 के बाद हम रशिया बोलेंगे, जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया तब बोलेंगे। तो उस समय यूएसएसआर बस अपने ये बनाने में कोशिश कर रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा वेपन्स बनाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हथियार बनाएं हम, और अपने उस पर कैसे फोकस, अमेरिका का फोकस था कैपिटलिज्म, कैसे कैसे प्रोडक्शन किया जाए और इंडस्ट्रीज कैसे बढ़ाया जाए, डेवलपमेंट कैसे किया जाए, पॉलिटिकल इकोनॉमी को कैसे बढ़ाया जाए, तो ये सब चीज़ फोकस था। अच्छा एक और चीज़ क्यों नहीं चाहते थे क्यूबा, क्यूबा कैप, एक और आपको मैं बता दूं, क्यूबा की जो आइडियोलॉजी थी वो कम्युनिज्म थी। तो कहने का मतलब है आप बिल्कुल पड़ोस में, यूएसए के पड़ोस में रहते हुए कम्युनिज्म को फॉलो करेंगे तो अमेरिका को तो नाराज़गी होगी ना बच्चों, तो अमेरिका को तो नाराज़गी थी, भाई हमारे बगल में आप रह रहे हैं, कॉन्टिनेंट हैं आप हमारे, और आप क्या कम्युनिज्म को मान रहे हैं। तो यहाँ एक बात है कि, और एक और, क्योंकि स्पेन जब यहाँ से गए, क्यूबा से यहाँ से निकल के गए थे तो अमेरिका को दे दिया, देखिए लीजिए तो। और वैसे क्यूबा जो है 1898 में आज़ाद हुआ था, 1898 में, और यहाँ से आज़ादी तो मिल गई लेकिन 1992 में पूरी तरीके से कम्प्लीटली ये आज़ाद हुए, यूएसए भी फिर कम्प्लीटली इसको आज़ाद कर दिया, ठीक है भाई हम नहीं ज़्यादा टेंशन लेते क्योंकि ये मानना ही नहीं चाह रहे, कैपिटलिज्म को लेना ही नहीं चाहते। तो 1902 में ये कम्प्लीटली आज़ादी हो गई, नहीं तो अगर हम स्पेन की बात करें तो कॉलोनाइज था स्पेन में ये 1898 तक ना, तो
यहाँ से चला गया, ये तो सुपर पावर जो था अमेरिका ने इसको लिया, लेकिन 1902 में इनको बिल्कुल आज़ाद करके यहाँ से चले गए, क्योंकि अमेरिका का मेन फोकस था अपने ऊपर डेवलपमेंट पे फोकस किया जाए, राइट। अब आगे देखते हैं, आगे ये है कि क्यूबा में जो फिदेल जो प्रेसिडेंट थे, फिदेल कास्त्रो, ये अपनी आर्मी बढ़ा रहे थे, आर्मी पे फोकस कर रहे थे। बहुत 6 सालों तक इन्होंने कोशिश करा कि भी 6 साल तक इन्होंने खूब क्रांति पर फोकस किया। और एक फिदेल कास्त्रो को पहले पहले पीएम बने थे 1950, इनका जो टाइम पीरियड था मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, 1959 to 1976 तक ये प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर रहे। और उसके बाद 1976 to 2008 तक यहाँ पर वो रहा प्रेसिडेंट, प्रेफरेबली प्रेसिडेंट बने थे, राइट। और क्यूबा में 1976 में कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ वन पार्टी डोमिनेशन था, राइट। अब आपको पता ही है रशिया की, अगर मैं यूएसएसआर की बात करूँ तो यहाँ भी कम्युनिज्म था, हाँ, और यहाँ भी कम्युनिज्म था। तो ऑफकोर्स जो जिसकी आइडियोलॉजी को फॉलो करेगा वो उसी को ही मानेगा ना, जैसे आप हैं, आप उन्हीं से दोस्ती करते हैं जो आपकी आइडियोलॉजी को मानेंगे, जो आपकी बात को सुनेंगे, जो आपकी विचारधारा को मानेंगे, राइट, उसी का ही तो आप अब दोस्त बनाएंगे। तो ऐसे ही फिदेल कास्त्रो जो थे वो यूएसएसआर को फॉलो कर, मतलब निकिता क्रुश्चेव हैं उनको फॉलो कर किया उन्होंने, क्योंकि उनको लगा था कि भी कम्युनिज्म जो है वो स्टेट का ही स्टेट का ही रोल है यहाँ पर, और सब इक्वल बराबर होंगे, इस तरह से उनका था। और क्यूबा में एक्चुअली दो वो थे, तो एक जगह मतलब जिस तरह से एक आपको मैं आपने शायद पढ़ा होगा, 11th में सुना होगा, बर्लिन वॉल सुना है आपने, है ना, बर्लिन वॉल। तो फिर उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया, जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो जर्मनी का एकीकरण हो गया था, राइट। तो पिगेन, और यहाँ पर मैं आपको और ये बताना चाहूँगी कि जैसे अगर मैं निकिता क्रुश्चेव से पहले अगर बात करूँ, 1953 में यूएसएसआर में स्टालिन थे, ठीक है, बहुत बढ़िया लीडर थे वो भी, लेकिन निकिता क्रुश्चेव जो थे उन्होंने सबसे ज़्यादा जो अपना टेन्यूअर था, उनका कार्यकाल जो रहा, वो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स में बनाने की बात रखी उन्होंने। तो ज़बरदस्त इन्होंने इस टाइम पीरियड में न्यूक्लियर वेपन्स पे फोकस किया। न्यूक्लियर वेपन्स में मतलब एयर टू एयर वाला, सरफेस टू सरफेस वाला, इंटर कंट्रीज वाला, इंटर टू इंटर कंट्रीज वाला, मतलब क्या होता है कि सीधा कंट्री में फेंको और सब ब्लास्ट, और एयर टू एयर, एयर और स्पेस टू स्पेस, मतलब इस तरह हर नए नए टाइप के वेपन्स यानी हथियार बनाने की इन्होंने कोशिश करी, राइट। अब क्या होता है, तो 1961 में जब यहाँ पर जॉर्ज ऑफ कैनेडी, तो 90 से वो तो, और फिर उसके बाद यहाँ देखो, एक मैं आपको बता दूँ, अगर अमेरिका की हम बात करें तो जो जॉन ऑफ कैनेडी थे वो बिल्कुल मतलब डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी और बहुत पीसफुल, ज़्यादा लड़ाई झगड़ाई में विश्वास नहीं करते थे। देखिए बेटा, अगर ज़्यादा बातचीत करेंगे, ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करेंगे, तो वही जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ, नुकसान हुआ, ये भी नहीं चाहते थे कि और ज़्यादा नुकसान हो, राइट। तो ये नुकसान में ज़्यादा बिलीव नहीं करते थे। अच्छा, एक और मैं जैसे ये आप मेरे से ये पूछना, एक ये बात पूछी किसी ने, बच्चे ने पूछा नहीं कि मैम ये क्यूबा पे ही क्यों वो इन्होंने अपनी मिसाइल्स तैनात की, क्योंकि एक रीज़न ये भी था कि क्योंकि यूएसए ने टर्की और साउथ इटली यहाँ पर अपनी मिसाइल्स तैनात कर रखी थी। हाँ, देखिए क्यूबा मिसाइल का बता रही हूँ अमन, कि जैसे ये देखिए आप मिसाइल्स क्या होती हैं, मिसाइल्स होती हैं अपनी मिलिट्रीज को वहाँ तैनात कर देना। एक और मैं चीज़ बताती हूँ अमन, देखिए अगर आप किसी के ऊपर डोमिनेट करना चाहते हैं, किसी के ऊपर डोमिनेट करना चाहते हैं, तो वहाँ की उधर अपनी उनकी बॉर्डर पर अपनी मिलिट्रीज बैठा दो। तो ये बड़ी बड़ी डेवलप कंट्रीज़ का बड़ी बड़ी जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनके पास ये एक आइडिया होता है, और ये एक अगर मैं कहूँ तो
एक दूसरे कंट्री को डोमिनेट करने का एक आइडिया है, फाइन. और एक और, जब दूसरी कंट्री मतलब अगर आप कहीं किसी के ऊपर डोमिनेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी उसकी आइडियोलॉजी को देखेंगे कि उसकी आइडियोलॉजी, उसकी विचारधारा आपसे मिलती है नहीं मिलती है. अब जैसे अमन, आप मुझसे कुछ बात करना चाहेंगे तो सबसे पहले मुझे जानेंगे आप कि भाई मैम की आइडियोलॉजी क्या है, क्या मैं उनसे बात करने से पहले इनको समझ सकूं. तो ऐसे ही सिचुएशन बनी थी अमन, क्राइस जब क्यूबा जो था, वाई ओनली क्यूबा, वेरी ट्रू, क्योंकि एक तो क्यूबा यहाँ पर कॉन्टिनेंट में था, यूएसए के कॉन्टिनेंट के बिल्कुल बगल में था, एक ये बात. दूसरा ये बात कि जो ये थे क्या नाम है इनका, क्यूबा के फिदेल कास्त्रो, किस फिदेल थे ये जो प्रेसिडेंट थे, वो नहीं चाहते थे कि वहाँ पर यूएसए, वो नहीं चाहते थे कि कैपिटलिज्म को फॉलो करना, राइट. तो कैपिटलिज्म को फॉलो नहीं करना चाहते थे वो, इसलिए बेसिकली तो यूएसएसआर को एक बिल्कुल वो मिल गया, इसलिए उनको एक 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 सपोर्ट मिल गया. ठीक है, बहुत अच्छा है, अगर वो हमारी आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं तो हम उनको अपने ऊपर डोमिनेट करने दें, राइट. ठीक है, और आगे दूसरी बात यूएसए की अगर मैं बात करूं तो यूएस और यूएसए ने भी टर्की और साउथ में अपनी क्यूबा मिसाइल, अपनी मिसाइल्स तैनात कर रखी थी, राइट. तो यूएसएसआर को लगा कि भाई हमारे यहाँ जो अगल बगल की कंट्रीज़ हैं उनके वहाँ भी ये ऐसे मिसाइल्स तैनात कर रही हैं तो हम भी करें. तो वही मतलब कहने का मतलब है कि, और एक और मैं बात बता दूँ बच्चों कि निकिता क्रुश्चेव का लास्ट मूवमेंट तक यही था कि भाई देखिए हमने क्यूबा मिसाइल्स क्यूबा पर हमने मिसाइल्स तैनात नहीं कर रखी है, हमने तो उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, हम तो पॉलिटिकल प्रोटेक्शन दे रहे हैं, हम तो उनको ट्रेड कर रहे हैं. तो इस तरह का वो था कि हम तो उनकी मदद कर रहे हैं, हम उनके ऊपर मिसाइल्स नहीं तैनात कर रहे हैं. पर जो कैनेडी थे उनको कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये पूरी तरीके से वॉर करने की सिचुएशन में है, क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि कैनेडी नहीं चाहते थे वॉर करना, राइट. और ये और कुछ समय बाद जैसे ये इन्होंने निकिता क्रुश्चेव ने अब यूएसए में क्यूबा में बहुत सारे जैसे U-12 स्पेस प्लान वो था एयरप्लेन उसको भेजा गया. तो फिर ने ये इसको कैनेडी तो उनको लगा कि हाँ भाई वॉर की सिचुएशन बन रही है. तो लास्ट में फिर लास्ट में सिचुएशन ये था कि चलो नहीं किया जाए इन पे वॉर. और फाइनली धीरे धीरे इनके बीच में ट्रीटीज़ हुई, तो दो काफ़ी टाइम तक ट्रीटीज़ हुई. जैसे मैं आपको बताऊं आपको एक 15 और 16 अक्टूबर को मैंने जैसे बताया कि U-2 एयरप्लेन यहाँ पर पहुँचा और यूएसए को पता लगा कि भाई ये तो गलत है, आप तो कह रहे थे कि हमने तो इनको फैसिलिटी दे रहे हैं, इकोनॉमिकल हेल्प कर रहे हैं, हाँ. अरे भाई वॉर नहीं है ये, कृष्णा जी वॉर नहीं कह रहे हैं. हाँ यस, हाँ बिल्कुल प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, वॉर नहीं हुआ था. समझाओ कृष्णा जी को, वॉर नहीं हुआ था, सिचुएशंस थी तभी तो इसको मिसाइल्स कोल्ड वॉर बोलते हैं. बिल्कुल यस मेरे प्यारे बच्चे, डेफिनेटली बिल्कुल कहलाता है, वेरी गुड, गुड बाई, राइट. सो यहाँ पर एक एक्सकॉम फर्स्ट मीटिंग बैठाई, है ना, एक्सकॉम इसको मीटिंग होती है उसमें बैठाई और उसमें कहा गया कि देखिए जो आप यूएसएसआर को कहा कि जो आपने मिसाइल्स लगा रहे हैं वो गलत है, आप तुरंत ही इसको यहाँ से हटा दीजिए. तो इसको एक्ट ऑफ वॉर बोलते हैं, है ना. एक वो था एक्सकॉम जो सजेशन दिया इन्होंने कि यहाँ से जो अपनी मिसाइल्स हैं फटाफट यूएसए में ले जाएं आप, इनको 20 अक्टूबर 1962 में इनको रिकमेंड भी किया गया कि प्रेसिडेंट ने कि भाई ये आप अपनी मिसाइल्स को यहाँ से हटा लीजिए, राइट.
और इनको एक कैनेडी की एक स्पीच भी थी, वो मैं आपको स्पीच पढ़ के भी सुनाऊंगी। बहुत बढ़िया स्पीच लिखी थी और उस स्पीच में बहुत उससे निकिता गौर कुरकुश्चेव बहुत डर भी गए थे कि नहीं भाई गलत बात है, राइट। और 24 अक्टूबर 1962 में, देखिए कोल्ड वॉर के बारे में नहीं, अभी मिसाइल क्यूबा मिसाइल के बारे में है ये, क्योंकि मिसाइल क्यूबा मिसाइल से ही कोल्ड वॉर की सिचुएशन बड़ी जो बनी है वो उसके बारे में आपको बताया जा रहा है। और 24 अक्टूबर 1962 में कैनेडी ने कहा ये कि हम लोग लड़ाई वड़ाई नहीं कर रहे हैं, फाइट नहीं कर रहे हैं, भाई बेकार है लड़ाई झगड़ा सब बेकार, तो इसलिए ठीक है। और एक और मैं आपको बताऊंगी बेटा, वर्लिन वॉल जो था यहाँ पर, उसमें जर्मनी, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी, राइट। तो ईस्ट वाला था यूएसएसआर और वेस्ट जो था वो रशिया, हाँ, और जर्मनी, हाँ राइट। और 1962 में, हाँ बिल्कुल, हमारा एक और मैं आपको, जैसे हमने स्टार्टिंग में भी बात करी थी कि 1962 में हमारा इंडिया क्या कर रहा था, तो नॉन अलाइनमेंट, एक बच्ची ने बहुत अच्छा जवाब दिया था, नॉन अलाइनमेंट पे फोकस था क्योंकि हम किसी के साथ तो नहीं। और उस समय हम, एक और चीज़, हम उस समय हमें अटैक भी किया था किसने बताइए, कौन सी कंट्री थी, इंडो एंड 1962 में किसके साथ वॉर हुआ था जल्दी बताइए। हाँ जी बेटा, और फिर उसके बाद 1991 में यूएसएसआर, क्योंकि यूएसएसआर का फिर क्यूबा मिसाइल क्राइसिस पे से जो मिसाइल्स थी वो हटा ली गई थी, बहुत शांतिपूर्वक हटा ली गई थी, क्योंकि अगर नहीं हटाते तो प्यारे बच्चों थर्ड वर्ल्ड वॉर जबरदस्त होता, सिचुएशन और ज़्यादा बिगड़ जाती, इसलिए आराम से ये सिचुएशन को शांत किया गया। और बात ही चीज कोल्ड वॉर का मतलब क्या है कि आइडियोलॉजी ऑफ वॉर, अब बिल्कुल शांति से उसको निपटाया गया कि अब वॉर नहीं, ये सिचुएशन नहीं बनाई नहीं चाहिए क्योंकि उससे नुकसान बहुत होगा। हाँ, और फिर बट उस दौरान जो इंडो चाइना, वेरी गुड, और इस उस समय 1991 से पहले रशिया जो कर, यूएसएसआर जो कर रहा था वो जबरदस्त अपने वेपन्स पे फोकस कर रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा हथियार बनाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा हथियारों पे फोकस किया जाए, बस यही। तो एक यही एक और ये जो डिसइंटीग्रेशन का एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, एक इम्पॉर्टेंट है ये कि भाई उसने अपने वेपन्स पे, अपने हथियारों को बनाने पर फोकस किया, जिससे एक कारण ये डिसइंटीग्रेशन का भी था, राइट। और हाँ जी 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 बिल्कुल, और यही कंडीशन है। मैं आपको एक मैप में दिखाती हूं, ये तो था हमारा क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। मैं आपको कोल्ड वॉर के बारे में बताऊंगी, अब आएगा बेटा कोल्ड वॉर, नहीं कोल्ड वॉर की सिचुएशन थी ये, राइट, कोल्ड वॉर की सिचुएशन थी। देखिए मैप दिखाती हूँ बेटा आपको, आप ऐसे मैप निकाल लीजिए, ठीक है, मैं और नज़दीक दिखाती हूँ, यस सोशलिस्ट रिपब्लिक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा, राइट, यूएसएसआर बेटा, यूएसएसआर, क्रोना, वेरी गुड, राणा, वेरी गुड, हाँ जी। अब मैं आपको दिखाऊंगी क्यूबा, क्यूबा पे जो सीबीएसई ने क्वेश्चन दिया है, एक क्वेश्चन, ओह माय गॉड, हाँ जी देखिए ये रहा दी एक्सप्लेन द क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, सी आपको दिख रहा होगा ये रहा, दिस इज, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा, एक्सप्लेन द क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, देखिए 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, वो पीछे है, मैं आपको दिखा देती हूँ, 6 मार्क्स का क्वेश्चन, राइट, ये सेक्शन ई में है,
ठीक है ना। अब ये मत समझ लीजिए कि भी ये अच्छा जूम करके दिखाऊं, ठीक है बेटा, वन मिनट सी। अच्छा ये जो मैंने ये जो चैप्टर था कोल्ड वॉर, उसका एक टॉपिक है ओनली क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। जो क्यूबा मिसाइल क्राइसिस की मैंने थोड़ी जो डेट आपको बताई है, हाँ जी मूवमेंट्स हो रहा था ज़्यादा। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस देखो, एक्सप्लेन द क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, हम 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है।